देश का मिजाज लेकर आए हैं हम, और देश का मिजाज अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या है ये हमारी इस खास पेशकश में आपके सामने होगा। दरअसल हमने अपने एक बड़े सर्वे में जो कि सी वोटर और इंडिया टुडे के सहयोग से किया गया है उसमें ये जाना है कि देश का मूड दरअसल अर्थव्यवस्था को लेकर क्या है, क्योंकि बीते साल में, दो साल में अगर बात कर ले, जब से कोविड आया है तब से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पलट गई है, और अर्थव्यवस्था को लेकर लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, ये हमने जानने की कोशिश की है अपने सर्वे के द्वारा। इस सर्वे का सैंपल साइज भी हम आपको बताएंगे, हम बताएंगे कि कैसे अगस्त से लेकर दिसंबर तक लगभग 20,000 लोगों का सर्वे किया गया, उसके बाद हमने लगभग 3 हफ्ते में भी 30,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे किया, कुल मिलाकर सैंपल साइज 7,141 लोकसभा क्षेत्र जिनमें जाकर हमने लोगों से जाना कि क्या है उनका मिजाज। 543 सभी लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया गया, गलती की संभावना भी इसमें प्लस माइनस 3% की है, यानी कि जो लोगों की राय है वो दरअसल बताती है कि देश में इस वक्त अर्थव्यवस्था को लेकर लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से आने वाले वक्त में सुधार हो सकेगा, या फिर मोदी कार्यकाल को अगर कुल मिलाकर देखें तो किस तरीके से लोग इस पर अपनी राय रखते हैं। एनडीए सरकार में अर्थव्यवस्था कैसी रही, बहुत अच्छी 22% लोगों का मानना है, 30% लोगों का मानना है कि अच्छी रही, औसत रही 19% लोगों का मानना है, वहीं खराब रही 11% लोगों का मानना है, और अगर हम देखें कि बहुत खराब स्थिति 15% लोगों की ये राय है, यानी कि अच्छा सबसे ज्यादा प्रतिशत में लोग मानते हैं 30% लोगों की राय है कि देश की अर्थव्यवस्था मोदी कार्यकाल में अच्छी रही है। लेकिन इसके आगे भी हम बात करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कैसे देश का मिजाज इस वक्त बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आने वाले वक्त में क्या देश की अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर जाएगी और बेहतरी की ओर बढ़ेगी ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी 22%, अच्छी 30%, यानी कि कुल मिलाकर अगर एवरेज देखा जाए तो अच्छे की ओर रुझान है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कोरोना की आर्थिक स्थिति पर असर क्या रहा, यानी कि 2020 में जब बहुत संकट भरा दौर देखा देश ने, तब आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों की आय में कमी आई, तो कितने लोगों का मानना था कि आय में कमी आई, 64% लोगों का ये मानना था कि आय में कमी आई है, कोई बदलाव नहीं हुआ उनकी आय में, ये 23% लोगों का मानना था, वहीं आय बढ़ी है मात्र 9% का ये मानना था कि इस कार्यकाल में उनकी आय बढ़ी है। लेकिन इस बीच हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि 2020 से लेकर 2021 तक का ये जो दौर था ये काफी मुश्किल भरा दौर था, और इस दौर में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस बीच आपका परिचय करा देते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ गए हैं, गौरव वल्लभ साहब जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक जोशी जी सीनियर पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही सुभाष चंद्र गर्ग जी जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम साहब, देश की अर्थव्यवस्था में एनडीए सरकार की जो हालत है वो अच्छी रही है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, 30% लोगों का ये मानना है, क्या ये आंकड़े आपकी पीठ थपथपाने के लिए काफी हैं? देखिए, शायद अगर पैंडेमिक नहीं होता तो ये 30% जो है और जो 22% और जो है कि अच्छा और कुछ अच्छा ऐसे जो आपने कहा, मतलब 52% जो नंबर है वो शायद 92 या 95% होता। इस 7 सालों में देखिए बहुत सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, 7 सालों में साइज ऑफ द इकोनॉमी जो है डबल हो गया, 2014 में FY 2014 में अगर देखिए तो साइज ऑफ द जीडीपी जो था वो 112 लाख करोड़ का था, आज अगर देखिए जो एस्टिमेट्स लेटेस्ट एस्टिमेट्स आया है उसके हिसाब से अगर रफली देखें तो 230 या 232 लाख करोड़ का, मतलब डबल हो गया है। उस बीच में हमने डेढ़ साल बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खराब, और खासकर लॉकडाउन जैसे जगह में जहां पर हमने देखा था -24% जो है जीडीपी उस क्वार्टर का गिरा था, उसके बावजूद भी आज अगर इस तरह से तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ी है कि दुनिया की 5वीं नंबर या 6ठी नंबर पे जो है, आज शायद लेटेस्ट आंकड़ा आने के बाद 5वीं नंबर के इकोनॉमी हमारी दुनिया की होगी, सिर्फ जापान, चाइना, यूएस और जर्मनी के बाद इंडिया हो गया, यूके हमारे पीछे हो जाएगा। लेकिन अगर इस जिस रफ्तार से चल रही है,
अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो 2030 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो नंबर 3 पे आ जाएगी, जापान और जर्मनी दोनों हमारे पीछे हो जाएंगे। नेगेटिव ग्रोथ देखी जीडीपी ने, उसके लिए कोरोना जिम्मेदार था। चलिए कोरोना को माइनस कर लेते हैं, 2020 के पहले की बात कर लेते हैं। 2020 के पहले क्या देश की अर्थव्यवस्था ऐसी थी जिसको देखकर ये कहा जा सके कि हाँ वर्ल्ड में यानी कि विश्व में भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद मजबूती की ओर बढ़ रहा है? देखिए 2013 में देखिए तो पॉलिसी पैरालिसिस थी, 2014 में जब हमने सरकार बनाई उससे पहले की अगर आप सारी रिपोर्ट दुनिया की देख लें, हिंदुस्तान के हर न्यूज़पेपर, हर चैनल और सबकी रिपोर्ट उठा के देखें तो बोलेगा चरमराती इकोनॉमी, पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन और सिर्फ स्कैम्स हो रहे थे 2014 के बाद। और उस वक्त 112 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, 2014 के बाद तेजी से बढ़ी और हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए। हमने सरकार ने बिल्कुल फैसला किया था, आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, हम बड़े बड़े फैसले लेंगे जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए और पॉलिसी पैरालिसिस की जगह पॉलिसी इनिशिएटिव की बात। दरअसल क्या असर पड़ा है? सुधार हुआ है 31% का मानना है, कोई बदलाव नहीं हुआ है 33% का मानना है, जबकि खराब हुई अर्थव्यवस्था ये 32% का मानना है। यानी कि लगभग अगर आंकड़ों को कुल मिलाकर देखा जाए तो एक स्थिति जो खराब, बहुत खराब और नहीं बदली है, उसमें लगभग एक जैसे ही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। गौरव वल्लभ जी का रुख मैं करना चाहूंगी। गौरव जी, सैयद जफर इस्लाम ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, ये हम सभी जानते हैं और हमने एक नेगेटिव ग्रोथ देखी, जीडीपी पर भी इसका असर देखा गया, लेकिन अब जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ दी गई है जो कि लगभग 9.2% की बताई गई है, ये आपको लगता नहीं कि बहुत ओवर एम्बिशियस टारगेट है और ये कैसे अचीव करेगी सरकार, ये पूछना बेहद जरूरी है? नेहा जी, सबसे पहले तो जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने बोला, 16-17 में हमारी जीडीपी ग्रोथ थी 8.3% और 19-20 में वो घट के हो गई 4.2%, जब तक कोरोना देश में एंटर नहीं किया था। तो आपने जीडीपी को आधा तो कोरोना के पहले ही कर दिया, फिर कोरोना में -7.3 पीछे जाके अगर आप 9% आगे आ रहे हो नेहा जी, तो ये तो वही बात हो गई, 100 में पहले 7.5 पीछे जाओ लगभग और फिर उस 93.5 पे 9% आगे आओ तो वो ग्रोथ होती है 1.25% की। क्या इस ग्रोथ के लिए जफर इस्लाम जी को यहाँ पे मैं शाबाशी दूं या देश इसलिए शाबाशी दे कि किसान आज 27 रुपए कमाता है और इनकी पार्टी के मुख्य दोस्त गौतम अडानी जी 1,002 करोड़ रुपए कमाते हैं। ऑक्सफर्म की रिपोर्ट आती है कि 2021 में 84% हिंदुस्तानियों की आय घटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्थिर रही है, बाकी 13-14% की स्थिर रही होगी। हाँ, गौतम अडानी की आय 8 गुना बढ़ी कोरोना काल में, मुकेश अंबानी की आय डबल हुई कोरोना काल में। ये क्या आय में कमी आई है गौरव जी, ये हमारे बेरोजगारी की दर प्लीज 64% लोगों की इनकम लेवल्स कम हुए हैं। सैयद जफर इस्लाम, 64%, आधी से ज्यादा आबादी जिनकी आय कम हुई है। देखिए मैं थोड़ा सा इनको करेक्ट कर दूं फिर उसके बाद बताना चाहता हूं। मैं इनकी बात को मैं सही मानता हूं कि जीडीपी ग्रोथ में कमी आई थी, साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ रहा था जीडीपी ग्रोथ में, इसलिए हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए थे। जब हमने जीएसटी का जैसे रिफॉर्म्स लिए, तीन लोगों ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो है वो गलत है, ये है, उस पर कलेक्शन नहीं होगा। आज $1 trillion मतलब 1,00,000 करोड़ से ज्यादा कंसिस्टेंटली जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऑल टाइम हाई। देखिए टैक्स टू जीडीपी जो है वो 2008 का था, वो 11% के आसपास था, आज हम 10.9% टैक्स टू जीडीपी आ गए इतने साइज ऑफ द इकोनॉमी को देखने के बावजूद और तेजी से बढ़ता जा रहा है। उससे क्या समझ में आता है कि हमने सही फैसले लिए थे, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया था, आगे की ग्रोथ अच्छी हो। अब आप देखिए छोटी सी बात, हमने पिछले बजट पे दिया फिस्कल डेफिसिट जो है 9.2 होगा, आज देखिए जिस तरह से बॉयंसी देखा टैक्स कलेक्शन में, जीएसटी कलेक्शन में, आज फिस्कल डेफिसिट जो है लाइकली टू बी 6.8%। क्यों? इसलिए कि हमने हमारे फैसले जो लिए थे अब वो इट इज पेइंग ऑफ, वो अब अच्छा लग रहा है कि जो हमारे फैसले आपसे चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच आलोक जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे राय ले लेते हैं कि जो बात आप कह रहे हैं दरअसल टैक्स बॉयंसी की, आप कह रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट कम होगा, आलोक जी इस बात में दम नजर आ रहा है आपको? इस बात में दम नजर आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सैयद जफर इस्लाम की फिस्कल डेफिसिट कम होगा, हो रहा है,
दरअसल ये 6.8% का जिक्र कर रहे हैं जो सरकार ने अनुमान जताया। जब 8 महीने का डेटा जारी किया सरकार ने, तो उसने कहा कि 6.8% इस साल हो सकता है, लेकिन उस आंकड़े को जब प्रोजेक्शन कर रहे हैं इस वक्त अर्थशास्त्री, तो वो कह रहे हैं कि वो 6.8 से भी कम, यानी 6.5% हो सकता है। 6.5% फिस्कल डिफिसिट हो सकता है कम होके, ये बहुत अच्छी खबर हो सकती थी किसी अन्य परिस्थिति में, लेकिन आज की परिस्थिति में, और जफर इस्लाम साहब को तो ये जानकारी होनी ही चाहिए, चिंता की बात यह है कि सरकार का खर्च भी नहीं बढ़ रहा है। जिस अंदाज, जिस अनुपात में कमाई बढ़ रही है, उस अनुपात में सरकार खर्च नहीं कर रही है। और वो खर्च जो बढ़ रहा है उसका आंकड़ा अगर निकालें, अभी तक इस साल में उन्होंने जो खर्चा किया है वो 53% के आसपास है, जो इस साल खर्चा करना था, प्रोजेक्टेड था बजट डॉक्यूमेंट में, उसके हिसाब से उस साल भर के खर्चे का 53% 8 महीने में खर्चा हुआ है। तो बचे हुए 4 महीनों या 3 महीनों में अगर वो चाहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट उतना रहे जितना पिछले साल था, तो उन्हें काफी बड़ा खर्चा करना है। और ये खर्चा जो हो रहा है उसके बाद भी 5.4% की ग्रोथ आएगी, 5 से 6% के बीच की ग्रोथ आ रही है सरकारी खर्च में। ये पिछले साल क्योंकि सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई थी, इतनी विकराल परिस्थिति थी, इसलिए लग रहा है उसके सामने की अच्छी बढ़त हो गई है, लेकिन ये पिछले 16 साल का सबसे खराब आंकड़ा है सरकारी खर्च में बढ़ोतरी। 16 साल का सबसे खराब आंकड़ा है, इस पर जवाब जफर इस्लाम से मिले। खर्चा क्यों नहीं बढ़ रहा? बिल्कुल। और इस बीच कुछ और आंकड़े अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उनको बता देते हैं कि कैसे सी वोटर इंडिया ग्रेस सर्वे में देश का मिजाज सामने आया है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, 33% लोगों का ये मानना था, कोई बदलाव नहीं हुआ, 33% लोगों का ये मानना था, खराब हुई है, 32% लोगों का ये मानना है। आलोक जी, इन आंकड़े को देखकर यही कहा जा सकता है कि कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कई लोग कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं, कई लोग कह रहे हैं खराब हुई है, कई लोग कह रहे हैं बेहतर हुई है, और लगभग ये आंकड़ा मिलता जुलता है इन तीनों के मापदंड से अगर देखें तो। अपनी परिस्थिति की बात हो रही है या देश की आर्थिक स्थिति की बात हो रही है? देश की आर्थिक स्थिति, 2014 के बाद देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है, बदलाव नहीं हुआ है या खराब हुई है? यहाँ दरअसल ये वाला, जब आप इस तरह का सवाल पूछते हैं तो लोगों के अपने जो विचार होते हैं पहले से, ज्यादातर वो यहाँ सामने आते हैं। लेकिन इससे महत्वपूर्ण सवाल वो है जो आपने पहले पूछा था कि एनडीए सरकार में अर्थव्यवस्था कैसी रही, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, खराब, बहुत खराब, जो आंकड़े हैं सामने, उनमें बहुत सारे लोग देखिए कोरोना में परेशान हुए, मुश्किल, जिनके घर में मुसीबत आ गई उनके लिए तो कोरोना पर सरकार का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन जिनको, जिनके घर मुसीबत नहीं आई, जिनको 2 टीके लग गए हैं, कुछ को 3 लग गए हैं, और कुल मिला के हमारे देश में जिस तरह से टीकाकरण हुआ है उसे देख के बहुत से लोग संतुष्ट हैं। और बहुत बड़ी संख्या इस वक्त देश में ऐसे लोगों की भी है जिनका कहना है कि साहब सिलेंडर 1000 रुपए का हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग जब अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हैं तो वो दरअसल अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी नहीं कर रहे होते हैं। यही वजह है कि आपको 52% लोग आज की परिस्थिति में ये कहते दिख रहे हैं कि एनडीए सरकार में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चली है। ठीक है, एक बार फिर से आंकड़ों का ही रुख कर लेते हैं। आलोक जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बने हुए हैं इस बीच हमारे साथ, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि हमने जब ये सर्वे किया, लगभग 7000 से ज्यादा लोगों का जब ये सर्वे किया गया, तो एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों का लाभ किसे मिला है, ये सवाल उनसे किया गया। बहुत सारे लोग जिन्होंने कहा कि बड़े व्यापारियों को इसका लाभ मिला है, 48% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि बड़े व्यापारियों को इसका लाभ मिला, छोटे व्यापारियों को 8% मिला, नौकरी पेशा लोगों को 8%, किसान को 12% और दिहाड़ी मजदूर को 7%। गौरव जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप लगातार अपनी जो डिस्कशंस होते हैं उसमें अंबानी, अडानी, इन तमाम उद्योगपतियों का जिक्र करते हैं, और एक और आंकड़ा हम बता देते हैं, उसके बाद इसी सवाल पर मैं वापस लौटूंगी। गौरव जी, ये सवाल था दरअसल कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या है, द बिगेस्ट फेलियर ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। महंगाई 25% लोगों का मानना था, बेरोजगारी 14% लोगों का मानना था, किसान आंदोलन 10% लोगों का मानना था। और उसी सवाल पर वापस लौटते हुए गौरव जी, जब आप ये कहते हैं कि अंबानी अडानी उससे ज्यादा फायदा हुआ है सरकारी नीतियों का, जी ये मैं नहीं, ऑक्सफर्म की जो 3 दिन पहले रिपोर्ट आई है उसने कहा है कि 84% हिंदुस्तान के लोगों की आय 2021 में कम हुई है,
और उसी दौरान गौतम अडानी की जो वेल्थ है उसमें 8 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये मैं नहीं, ऑक्सफर्म की रिपोर्ट है, इंडिया टुडे और आज तक का आज की एक पोस्टिंग है नेहा जी, वही उसी का हवाला दे रहा हूं। 5 करोड़ 10 लाख युवा देश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बेरोजगारी की दर कॉन्स्टेंटली 7% के ऊपर और शहरी बेरोजगारी कॉन्स्टेंटली 9% के ऊपर है, फिर भी हमारे जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं उनको इकोनॉमी ठीक लग रही है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 14% के आसपास चल रहा है, फिर भी इन्हें ठीक लग रही है। यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रूपी मार्गदर्शक मंडल में जाके वापिस आया और बहुत जल्द वापस मार्गदर्शक मंडल में जाने वाला है, फिर भी हमारे जो दोस्त बैठे हैं उनको इकोनॉमी की हालत ठीक लग रही है। जो भारत के प्रति व्यक्ति पर जो सरकारी कर्ज था वो 46,000 रुपये था 2014 में, जो आज 96,000 रुपये हो चुका है, फिर भी इनको भारत की अर्थव्यवस्था ठीक लग रही है। कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं, चश्मे को चेंज करना पड़ेगा। हरे चश्मे की पर कैपिटल इनकम में सैयद जफर इस्लाम गिरावट देखी गई है। 2019-20 में पर कैपिटा इनकम 94,566 रुपए थी और वो घटकर अब 2020-21 में 86,659, ये वर्ल्ड बैंक के डेटा में आपको बता रही हूं, और भारत वर्ल्ड इकोनॉमीज के लिहाज से 144वें स्थान पर है। देखिए, मैं दो तीन अहम बातें कहना चाहता हूं। इस तरह से आंकड़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। पहली बात तो ये कह रहे थे अभी के महंगाई दर WPI का इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे। आप बताइए, इनके समय में हर साल जो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में होता, महंगाई दर डबल डिजिट में, तब इस हमने जो है एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी के द्वारा जो हमने ये मैंडेट दिया RBI को मैनेज करने के लिए इन्फ्लेशन, और उस तरह के गाइडलाइंस थे कि हमारा टाइम में इन्फ्लेशन जो है एक ही दो बार तीन बार जो है ब्रीच किया है, जो 4%+-2 का जो एक ही दो तीन बार ब्रीच किया है, जबकि पूरे टाइम में जो था आप ही का कार्यकाल था, 2020 में ये बढ़कर 6.18% हो गया। हालांकि पेट्रोल डीजल के प्राइस बोला तो एक दो बार नहीं होते, लेकिन उसे लेकर भी सुर्खियां लगातार रही और आपसे सवाल किए गए कि आखिरकार एक मिनट सुन लीजिए, आप बोल महंगाई बढ़ रही है सर। बिल्कुल नहीं, देखिए इन्फ्लेशन 4-5% से बढ़ा है, 4-5% से स्वाभाविक है इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, लेकिन आप ये कहें कि उनके टाइम में डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, वो हमारे समय में कभी नहीं हुआ। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं WPI इंडेक्स की बात कर रहे, तो जरा इनको देखना चाहिए कि ग्लोबल इसमें मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस के दाम कैसे तेजी से बढ़े हैं, चाइना ने किस तरह से तेजी से बढ़ाने का जो के लिए जो काम किया है ग्लोबल जो कमोडिटी प्राइसेस के, और नहीं नहीं अरे भाई WPI इंडेक्स में कमोडिटी प्राइस का इंपैक्ट डायरेक्ट है, तो आप कैसे नहीं बोलेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बात करिए, उसके बाद WPI पर जाइएगा, जो रोजमर्रा की चीजें हैं। नहीं नहीं, मैं तो अपने जो मित्र प्रोफेसर है, अरे प्रोफेसर जो है जो अडानी अंबानी के बिहार में, रोजगार पर बात कर लेते हैं। डबल डिजिट में पूरी बात नहीं, ऐसे पीछे देखिए, जैसे आप बाथम जी जैसे आप उनको सुन रहे थे, मुझे बीच बैठे कट अपनी मत कीजिए, पहले बात खत्म होने दीजिए पहले। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि WPI का जिक्र किया, मैं WPI का कारण बता दिया कि ग्लोबल जो है कमोडिटी प्राइस की वजह से इंपैक्ट है। CPI मैंने बता दिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने मेंटेन किया है, एक सिर्फ दो तीन बार ब्रीच किया है, महंगाई 4-5% से बढ़ी। तीसरी बात जो कह रहे हैं, आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में इन्फ्लेशन बढ़ा था, और सॉरी लॉकडाउन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट CMI का डेटा जो इनके लिए बाइबल की तरह है, उसी के डेटा देखिए तो वापस आ गया जो उस लेवल पे, और आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि PMI मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्विसेज दोनों है बहुत पॉजिटिव, तक दिसंबर के आंकड़े जो है बहुत पॉजिटिव दिखा रहे हैं, उससे समझ में आता है कि नौकरियां भी बढ़ेंगी, अवसर भी बढ़ेंगे, और साथ साथ ही मैं कहना चाहता हूं प्रोफेसर साहब, जितनी भी दालों की कीमतें हैं 100 रुपए से ज्यादा है। सुभाष चंद्र गर्ग जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी मौका देते हैं क्योंकि सर लेट से आप जुड़े, माफी चाहते हैं, लेकिन आप जो सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं आप उनकी बातों से सहमत हैं क्या? पॉजिटिव ट्रेंड ही है, सब कुछ ठीक ठाक है, इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था बेहतरी की ओर से है, और जिस दिशा में इस वक्त ग्रोथ रेट कही गई है 9.2% की दर से होगी ग्रोथ रेट, आप उस बात से सहमत है सर? देखिए, सिलेक्टिवली कोई आप एक आंकड़ा लेके बात करें उससे पूरा निष्कर्ष निकाल लें वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। आप अगर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें
ये 2014 से 2018 तक 19 तक देश में काफी अच्छी ग्रोथ रही, 7 से 8% की ग्रोथ उस समय आई, राइट। लेकिन 2018-19 के बाद 19-20 में बहुत ग्रोथ गिर गई, 4% हुआ। पिछले साल तो ग्रोथ नेगेटिव 7.5% गिरी, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस साल का अगर 9% का की ग्रोथ का अगर आप आंकड़ा लेते हैं, तो उसको हमें ये देखना होगा कि पिछले बार 7% आप नीचे गिरे थे, तो 7% नीचे गिरने के बाद 9% ग्रोथ होना मुश्किल से 1-2% की ग्रोथ बताता है। सो अगर आप पूरी तरह से देखें तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव में भी पहले 5 साल, 4-5 साल की परफॉर्मेंस काफी ठीक रही, लेकिन पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस बहुत कमजोर है। एक एक आंकड़े से या एक किसी साल के लेने से मेरे ख्याल से ठीक से निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। ठीक है, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आप देख रहे हैं सी वोटर और इंडिया टुडे का वो महासर्वे, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोगों को के साथ हमने ये जाना कि क्या कहती है देश की अर्थव्यवस्था, कैसा है लोगों का मिजाज अर्थव्यवस्था को लेकर, क्या कोविड काल से अर्थव्यवस्था बेहतरी की ओर है या फिर इस अर्थव्यवस्था में और सुधार आएगा आने वाले वक्त में, ये हम तमाम पैनल ऑफ एक्सपर्ट से जान रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव वल्लभ है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट आलोक जोशी जी हैं और साथ ही सुभाष चंद्र गर्ग जी हैं जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं। दरअसल हमने देश की जनता से ये जाना, जो 7,000 से ज्यादा का सैंपल साइज है, उनसे पूछा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता दरअसल क्या है। तो 22% लोगों ने कहा है कि कोरोना से जिस तरीके से मोदी सरकार ने लड़ाई लड़ी है वो सबसे बड़ी सफलता माना जा सकता है। वहीं 16% लोगों का मानना है राम मंदिर सबसे बड़ी सफलता है। 12% लोगों का मानना है कि अनुच्छेद 370 हटाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन इस सबके बीच हम आपको अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के पास लिए चलेंगे और उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन एक और सवाल जो कि हमने देश से पूछा अर्थव्यवस्था के लिहाज से, वो ये था कि एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों का लाभ किसे मिला है। बड़े व्यापारियों को मिला है 48% लोगों का ये मानना है, छोटे व्यापारियों को मिला है 8% लोगों को मानना है, जबकि अगर बात करें नौकरी पेशा लोगों को सिर्फ 8% नौकरी पेशा लोगों को इसका फायदा मिला है, किसान को 12%, वहीं दिहाड़ी मजदूर को महज 7% फायदा मिला है मोदी सरकार की नीतियों का। और एक एक करके हम नीतियों का जिक्र भी करेंगे। दरअसल ये वो नीतियां हैं जो आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हो, अटल योजना हो, या फिर हाउसिंग योजना यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल। सैयद जफर इस्लाम, एक छोटा सा सवाल, बहुत सारी योजनाएं मैंने यहां पर गिनाई जिनका टारगेट, उनमें से एक हाउसिंग योजना 2022 था, ये सब टारगेट मीट कर पाई है सरकार? क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो जो हमारे सर्वे में दिखाई दे रहा है वो बड़े व्यापारियों को मिला है, ये सर्वे कह रहा है। देखिए, आपको जब ये लोग कहते, पहले समझिए कि बड़े लोगों के जो वेल्थ के बारे में बात करते हैं तो ये नहीं कि उनके पास कोई पैसा आ गया है, उनके कंपनियों के स्टॉक्स के वैल्यू बढ़ गए। अभी चूंकि इंडिया, इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, इंडिया में पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पॉजिटिव ग्रोथ है, और यहाँ पर जो सरकार है वहाँ स्कैमस्टर्स की सरकार नहीं है, यहाँ पर पॉलिसी इनिशिएटिव है, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, इसलिए बाकी दुनिया के ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा डालते हैं तो उनकी कंपनियों में जब उस शेयर लेते हैं तो उसका उछाल आता है और इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ती है, इसलिए उनकी नेटवर्थ ज्यादा देखती है। कोई कैश उनके पास घर में नहीं आ गया, अगर वो गिरेगा तो उनकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इसलिए जैसे कि आप देखिए 2008 में इंडिया में 6,000 पे इंडेक्स था, जो सेंसेक्स था, आज वो 60,000 पे सेंसेक्स है, 10 टाइम्स वहां से ज्यादा बढ़ गया है। तो ये समझ में आता है कि इनको समझना चाहिए कि कोई हाथ में पैसा नहीं आ गया, ये सिर्फ वैल्यू उस वक्त ऊपर नीचे चलने वाली जो है शेयर की वैल्यू की वजह से है। 2022 आ गया है, यही लक्ष्य रखा था ना आपने 2022 का? बहुत हद तक नहीं, जिस तेजी से हम घर देने दे रहे हैं लोगों को वो बहुत हद तक मिल चुका है, अगर थोड़ा बहुत है तो 2022 में एक साल अभी बचा हुआ है और हम तेजी से घर बना रहे हैं। और साथ साथ ये बोलना चाहते हैं कि आदमी की निजी जिंदगी में हर तरह से बेहतरी है, उसकी हमने कोशिश की है और साफ दिखा। जी मुझे इनके ऊपर बड़ा आश्चर्य आता है,
नेहा जी, बड़ा आश्चर्य आता है अच्छा मुझे आपने इनके पर देखिए ऊपर जरा चेहरा, जब ये कहते हैं आईना देखिए, डब्ल्यूटीआई आपको इसलिए आश्चर्य बढ़ आ रहा रहा है, है लोग तो क्योंकि पीछे आप ही बोल देखिएगा रहे थे, आपको नहीं बोल घर रहे थे ना बीच में। जी, थोड़ी सी सभ्यता रखिए। ये कहते हैं कि डब्ल्यूपीआई इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चीन जिम्मेवार है, जीडीपी इसलिए गिर रही है क्योंकि कोरोना जिम्मेवार है, रुपया मार्गदर्शक मंडल पे इसलिए पहुंच गया क्योंकि अमेरिका ने पूंजी वापस ले ली। तो आप किसके लिए जिम्मेवार हो? आप क्या सिर्फ मोदी महल और हवाई जहाज खरीदने के लिए आपकी जिम्मेवारी है अरे प्रधानमंत्री के लिए? भाई आप ये ये बताइए इकोनॉमी कि का डिबेट 7% है, ये बेरोजगारी की इकोनॉमी का दर डिबेट है मेरे कॉन्स्टेंटली प्रोफेसर, क्यों है? बीच में मत बोलिए, प्रोफेसर बीच में मत साहब, बोलिए, नो नो अरे नो प्रोफेसर नो। इकोनॉमी सही से है बात जफर करो ना, इस्लाम, कुछ ऐसे बात आप ऐसे ये इधर बताइए। उधर जफर इस्लाम बेरोजगारी जी की ने दर। इंटरफेयर किया ना, आप भी मत करिए जी सर, ऐसे प्लीज। नेहा गौरव जी बात जी, रखिए अपनी। नेहा जी आप इनसे ये पूछिए बेरोजगारी की दर इकोनॉमी में कॉन्स्टेंटली 7% क्यों है? शहरी बेरोजगारी 9% पे क्यों है? इनकम डिवाइड क्यों बढ़ता जा रहा है? किसान 27 रुपए कमाता है और गौतम अडानी 1,002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाता है, ऐसा क्यों? ये कह रहे हैं कि ये तो डिफेंड कर अरे रहे भाई हैं। आपके मैं इनसे सवाल समय पूछ रहा में हूं, अंबानी, बेरोजगारी आपके समय इतनी में हाई बने क्यों हैं, है? इनकम आपके समय डिवाइड में बने इतना हाई अंबानी, क्यों हमारे है? समय में नहीं रुपया बने। एशिया की सबसे बुरी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी क्यों हो गया? उसका जवाब इनके पास है नहीं। महंगाई, जो 400 रुपए का सिलेंडर 950 में क्यों मिल रहा है? खाने के तेल के दाम डबल क्यों हुए हैं पिछले 7 सालों में? सब्जियों के दाम, फल फूलों के दाम पिछले 1 साल में डबल क्यों हुए? आवश्यक वस्तुओं पे जीएसटी क्यों लगाई जा रही है? रोजमर्रा में काम आने वाले कपड़े जूतों पर जीएसटी 12% क्यों करी? 5% से बढ़ाकर 12%। इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। देश के ऊपर कर्ज 2 गुना से ज्यादा क्यों बढ़ाया? जफर इस सवाल इस्लाम, का जवाब इस देना बात से तो पड़ेगा, आप भी इनकार क्योंकि नहीं करेंगे कि 2014 महंगाई पे इस वक्त देश सबसे पे बड़ा 55 मुद्दा लाख है, करोड़ का बेरोजगारी इस कर्ज वक्त था जो सबसे आज बड़ा 135 मुद्दा है, लाख 25%। करोड़ ये मानते हैं कि सबसे बड़ी नाकामी मोदी सरकार की महंगाई है, 14% ये मानते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए नेहा जी, ऐसा है कि हर आंकड़े को जैसा अभी गर्ग साहब कह रहे थे उसको आइसोलेशन में नहीं सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। मैं ये पूछता हूं कि इन्होंने तो ऐसा बात कर रहे हैं कि 70 सालों में मानो के यहाँ सारी इकोनॉमी जो आसमान में उड़ रही थी और सभी लोगों को बड़ी बड़ी नौकरियां थी, फैक्ट्रियां जो है आलू के बजाय सोना प्रोड्यूस कर रही थी, इस तरह की बात जो है वो कर रहे हैं। हकीकत है कि जिस हालात में इन्होंने छोड़ा था एनपीए लेवल जो है बैंकों के, इस तरह से कि आपने देखिए, मैंने कहा कि 65% ऐसे लोन दिए थे ये निकम्मे जो यूपीए की सरकार ने, जिसका अगर आप उस वक्त अगर जो जिस रेट पे लोन दिया था अगर उससे आप सिर्फ डिस्काउंट करें तो एबिटा नेगेटिव, मतलब कि सारी लॉस मेकिंग कंपनियां को दिया था जो कभी जिंदगी में नहीं कर पाती, वो पूरा हमारे जो है आ गया, हमारे हिस्से में आ गया, इसलिए कि हमने उस वक्त व्हाइट पेपर नहीं लाया, नहीं तो इनके ठीक पोल है पूरी खुल सुभाष चंद्र जाती। जी, एनपीए से शुरुआत करें। देखिए, एनपीए इस देश में 2004 से लेके 2007-08 के बीच में बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी। उस समय की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी, 8-9% तो हमारी नॉर्मल ग्रोथ हुआ करती थी। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ उस समय स्टील में, सीमेंट में और बहुत सारी इंडस्ट्री में। इनफैक्ट इतना इन्वेस्टमेंट हुआ कि जो उस समय की जो ग्लोबल डिमांड थी और जो हिंदुस्तान की डिमांड थी उससे ज्यादा हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और उस समय कई लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने शुरू कर दिए पावर सेक्टर में, रोड सेक्टर में, जो इकोनॉमिकली अनवायबल थे। इसके कारण से जो 2009 से 2012-13 तक बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा तो सफल था इन्वेस्टमेंट, लेकिन कई सारा इन्वेस्टमेंट ऐसा भी था जो असफल हो गया। तो वो ये जो एनपीए 2014-15 के बाद सामने आया है, ये जो इन्वेस्टमेंट कमजोर और गलत और उस तरह से स्थिति को सही भांपने के बजाय कि भाई इतनी इतनी उत्पादन की जरूरत है या नहीं है, उस हिसाब से किया और वो एनपीए हुए। ये साइकिल्स आती हैं, ये कोई एक बार इस सरकार में आई हो ऐसा नहीं है। 90s में भी हमारे पास एनपीएस की एक बड़ी साइकिल आई थी, 1980 में भी एनपीए की साइकिल आई थी। तो ये एनपीए जो आए उसको डील करना, सरकार ने डील किया भी,
सरकार ने बहुत सारा कैपिटलाइजेशन किया बैंकों का, उसके जरिए उनकी जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हुई थी वो ठीक हुई और वो एनपीएस बनने से बचे। अब एनपीए के प्रस्पेक्टिव से आप आज एक बार चीज देखिए जो आगे आने वाले में समय में परेशानी पैदा करने वाली है। अभी हम पिछले 2-3 साल से बैंकों के जो लोन दे रहे हैं वो ज्यादातर लोन अब रिटेल सेक्टर में जा रहे हैं, बिजनेस में अब नया लोन नहीं जा रहा है, और दूसरा ये एमएसएमई और इनके लिए लोन जा रहा है। एमएसएमई के लिए सरकार एक स्कीम लेके आई जिसको ईएलसीटी कहते हैं, जिसमें इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी दे रहे हैं, तो आज काफी सारा लोन जो है वो गारंटी के बदले में दिया जा रहा है। वो लोन कुछ आने वाले समय में फिर खराब होंगे, तो आज की जो लोन की स्थिति है आने वाले समय में हमें वॉच करनी चाहिए। आलोक जोशी जी, जिस अभी तरह की से 70% सुभाष जी से बता ज्यादा, रहे हैं कि साठ दरअसल ये परसेंट से शेयर ज्यादा साइकिल्स शेयर होते तो हैं, भारत सरकार ये का। फेजेस होते हैं। अभी हम किस साइकिल से गुजर रहे हैं सर? ये अच्छा दौर है हमारे लिए, ये बुरा दौर है, कैसे समझें इस साइकिल को? देखिए इस दौर समय सामने है हमारे, देखिए बिजनेस साइकिल जो होता है वो तो अपनी जगह होता है, और ये गर्ग साहब जो कह रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए सबको। क्यों? क्योंकि गर्ग साहब इस मंत्रालय को चला चुके हैं, इन्होंने वित्त मंत्रालय चलाया है। तो जो बात ये कह रहे हैं, महंगाई जो आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या दिख रही है लोगों को, इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी दिख रही है। दरअसल वो नाकामी नहीं है, वो इस सरकार के कामों का नतीजा है। पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस जिस तरह बढ़े हैं, वो क्यों बढ़े हैं अभी गर्ग साहब ने बताया। जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हुए तो वो दाम बाजार में कम होने चाहिए थे, लेकिन इस सरकार ने आर्टिफिशियली एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर उन दामों को वहीं रखा जहां वो थे और उनको और बढ़ने दिया। आज की तारीख में कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें अपना हिस्सा का टैक्स कम कर दें तो राहत मिल जाएगी। अगर केंद्र सरकार अपना टैक्स और एक्साइज कम कर दे, राज्य सरकार के सारे टैक्स इससे तय होते हैं कि उसका प्राइस उसके हाथ में कितना आता है। अगर पहले से ही वो दाम कम होकर आएगा तो राज्य सरकार का टैक्स उसे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, और राज्य सरकार अपना टैक्स कम करके पेट्रोल या डीजल की कीमत एक हद तक ही कम कर पाएगी। दूसरा एक मुद्दा आपके सर्वे में भी है कि सबसे ज्यादा लाभ इस सरकार के कामकाज का किसको मिला है? बड़े व्यापारियों को। और ये बड़े व्यापारी सुनते हैं हमें लगता है हमारे शहर का कोई बड़ा बनिया इस तरह का कोई आदमी होगा, वो नहीं है। 98 लोग, गिन लीजिए, आप गिन सकते हैं, 98 लोग हैं जिनके पास इस देश के 55 करोड़ 50 लाख लोगों के बराबर की संपत्ति है, सिर्फ 98 लोगों के पास। और इन 98 लोगों की संपत्ति पिछले कुछ सालों में बहुत भयानक रफ्तार से बढ़ी है, और इसके लिए आप कह सकते हैं कि बाजार में शेयर का दाम बढ़ रहा है। ये एयरपोर्ट किसी के पास चला जा रहा है, रेलवे किसी के पास चली जा रही है, तमाम आप चारों तरफ शहर में निकलिए, सारे बड़े प्रोजेक्ट अगर एक ही कंपनी का बोर्ड लगा दिख रहा है, ये शेयर बाजार नहीं करवा रहा है, ये वो लोग करवा जफर रहे हैं। इस्लाम ये तो यही ठेके कह दे रहे थे सर कि जो है जफर इस्लाम बहुत अच्छे जानकार हैं। जफर इस्लाम ने एक बात कही कि कोरोना नहीं आया होता तो शायद 98% लोग हमारी तारीफ कर रहे होते। मुझे लगता है कोरोना बहुत जफर बड़े इस्लाम पर्दे की जी, तरह आया है। 98 दो ऐसे हजार लोग हैं उन्नीस का जिनकी आय आंकड़ा देख 55 करोड़ 50 लाख लोगों जितनी है। आलोक जोशी दो जी ने हजार डेटा दिया उन्नीस है। बीस का आंकड़ा देख लीजिए, और अगर वैसे ही चल रहा होता तो शायद कोरोना नहीं आया होता, तो आज 55% मैं इस ही पर और जवाब ज्यादा देना लोग कह चाहूंगा। रहे होते कि ये सरकार की जो परफॉर्मेंस है आर्थिक मोर्चे पे बहुत खराब है, क्योंकि जो हालत आज आप देख रहे हैं, जो चिंताएं और परेशानियां देख रहे हैं, वो इस सरकार के किए का नतीजा है। आप गर्ग साहब से पूछ सकती हैं कि सरकार का खर्चा नहीं बढ़ रहा है, इसका क्या कारण उन्होंने है और कहा ये इसका बात क्या सर मतलब? पहले कह चुके हैं वो डिस्कशन में कि सरकार का खर्चा नहीं बढ़ रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने आंकड़े दिए हैं अभी भी टारगेट मीट नहीं हुए एक्सपेंडिचर के। जफर इस्लाम जी हाँ जवाब दीजिए पहले तो एक्सपेंडिचर पर, और वो 98 लोग जिनकी आय 55 करोड़ 50 लाख लोगों जितनी है। नहीं, देखिए इस बात में हम ये कह सकते हैं कि 1% लोग ऐसे हैं देश में जिनकी संपत्ति या वेल्थ जो है वो जो नीचे से आते हुए काफी परसेंट लोगों से ज्यादा है, ये हकीकत है। और ये हकीकत आज की नहीं है, ये हकीकत कोई आज बनी नहीं है, ये हकीकत शुरू से है। हम उसको जो है चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देखिए तो कल मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है आलोक जी, हिंदुस्तान चेंज टाइम्स में, करने और की मुझे कोशिश कर लगता रहे है हैं कैसे सर? कि ऐसा नहीं है। नहीं नहीं पहली मैं बार कह लोगों को नहीं नहीं कह रहा हूं मध्यवर्ग से कि गरीबी रेखा के नीचे जाते हुए देखा गया,
पिछले बहुत सालों मैं में ये मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप यहाँ विधायक के मैं बैठे हैं, नहीं, एक पिछली मिनट जरा आलोक पिछली जी, बार आलोक जी, आपका आप टेक जो लिया। आपकी बात को ही मैं दोहरा, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मेरे मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे थे कि सब जगह बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ है, ये ऐसा नहीं कि किसी ने उठा के दे दिया है, ओपन बिडिंग है और उसको कौन बैक कर रहा है। अगर आप उन कंपनियों के पीछे जाके देखें, चाहे कोई भी कंपनी हो, आज मैं देखता हूं, मैं उस बिजनेस में रहा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि कौन से लोग किस तरह के असेट्स को बैक कर रहे हैं और कैसे दुनिया के एक और जो पैसा है वो चेज कर रहे हैं इंडियन असेट्स को। ये आपको ही पता है आलोक जी, आप इसको मार्केट को कवर करते हैं, कि जो भी असेट्स हैं और उस असेट्स को बैक करने के लिए बड़ी कंपनियों के साथ दुनिया के ग्लोबल इन्वेस्टर आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपनियां हो, जो थोड़ा अच्छा करती है उसके साथ पीछे पैसा लेके, आलोक ग्रोथ जी सर कैपिटल हिला उनका रहे जो हैं, है जफर वो इस्लाम लेके जी, इंडिया की तरफ आ आलोक जी जाते आपकी हैं। बात से सहमत तो नहीं है, जो आप कह आलोक रहे जी, हैं मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं तो आप उनसे पूछिए किस बात से सहमत, आलोक जी नहीं किस जवाब बात से दीजिए। सहमत नहीं है, बताइए जरा, मैं मैं गलत अभी बोल रहा आपको ताजा उदाहरण मैं दे किस देता बात हूँ। से अभी सहमत नहीं है? वोडाफोन आइडिया नाम की कंपनी लगभग डूबते डूबते बची है और भारत सरकार ने एक तरह से उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया है। दूसरी तरफ आप भारत संचार निगम का निजीकरण करने जा रहे हैं। हो क्या रहा है, कुछ समझ में तो आए? और उससे पहले एक ऐसी कंपनी है जिसकी पीठ पे, अभी आपने कहा कि मैटर ये करता है कि कौन बैक कर रहा है, इन कंपनियों को कौन बैक कर रहा है ये तो सवाल है। इनकी पीठ पे किसका हाथ है या इनका हाथ किसकी पीठ पर है, ये सवाल इसके है इस पीठ देश पे का नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। ये तो आलोक जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अभी देखिए ऐसे भाग के मत जाइए, मैं आपसे खुला खुला सवाल कर रहा हूं कि इन कंपनियों हाँ के पीछे किसका सपोर्ट है। आप अगर बेतुके सवाल करेंगे, अगर कोई भी कहे, कोई आप या कोई भी कहे कि यह सरकार का हाथ है, तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई बिडिंग प्रोसेस से जीतता और उसको कैपिटल जो जो चाहिए, फंडिंग चाहिए, अगर उसको ग्लोबल कम्युनिटी फंडिंग करती ठीक है, है, तो उसमें गौरव जी, सरकार का क्या लेना गौरव देना? जी भी हमारे साथ जुड़े वो हुए तो हैं। बिडिंग प्रोसेस से जीत रहा है और उसके पास कैपिटल लाके, कोई सरकार कैपिटल दे रही है, कोई सरकार फंडिंग कर रही है, या सरकार फ्री में बांट रही है। आपको किसी, हर को अधिकार है पार्टिसिपेट करने का, हर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज देखिए जितने बड़े बड़े लार्ज पेंशन फंड्स हैं, जिनके पास डीप पॉकेट्स है, वो इंडिया के सब असेट्स को खरीद रहे हैं। आप देखिए कैनेडियन पेंशन फंड, जितने सॉवरन फंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंडियन असेट्स खरीद रहे हैं और किसको बैक कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को बैक कर रहे हैं। ठीक है, और आप जफर देखिए, इस्लाम चाहे जी वो कोई आपने भी अपनी कंपनी बात उठा रख के दी। देखिए, आप अगर एक आंकड़े देख रहे क्लोजिंग हो तो सब रिमार्क पता मैं चलेगा कि सुभाष जी सरकार से ले थोड़ी लेती बैक हूँ, कर उससे रहा है। पहले कि हम इस चर्चा को वाइंड अप करें, एक क्लोजिंग रिमार्क सुभाष जी। तो क्लोजिंग रिमार्क के रूप में मेरे ख्याल से देश की, अभी हम कोरोना के नुकसानों से उभर के वापस आ रहे हैं, रिकवरी हमारी थोड़ी सी कंप्लीट हुई है, लेकिन हम 3 साल एक तरह से काफी कुछ नुकसान खा चुके हैं। 3 साल की ग्रोथ बहुत कम रही। आगे अगर हम इकोनॉमी को ठीक से हैंडल करें, अपने रिफॉर्म प्रोग्राम को जारी रखें और जो जनता को कई सारे अच्छे फायदे, चाहे हाउसिंग के, टॉयलेट्स के, इलेक्ट्रिसिटी के, वो पानी के, वो फायदों की स्कीम्स को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करते रहें और ज्यादा पॉपुलिस्ट न बने, तो मेरे ख्याल से हम देश की चलिए इकोनॉमी की भी बहुत अच्छी सेवा बात करेंगे यहाँ और पर लोगों आप की भी सुभाष सेवा। जी कहते हुए, और ये क्लोजिंग रिमार्क में दरअसल जो सबसे अच्छा वर्ड मुझे नजर आया वो था पॉपुलिस्ट। ज्यादा पॉपुलिस्ट ना बने, क्योंकि एक मुश्किल भरा दौर है, इससे बाहर निकलना भी इस वक्त एक बड़ी चुनौती है देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से। और ये CEO टू इंडिया टुडे का सर्वे हम आपके लिए लेकर आए थे, ताकि देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से आप मिजाज समझ सके लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।